पता नहीं क्या समझते अपने आप को, कोई बात करने की तमीज होनी चाहिए ना, ऐसे कोई बात करता है क्या? नहीं नहीं, देख लूंगा मैं इन लोगों को, देख लूंगा, पता नहीं आगे क्या होगा, क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। नमस्कार, चंद्रपुर पुलिस स्टेशन। क्या, कहाँ पे? मुझे एड्रेस बताओ। साहब मेरा नाम ढूंढू है। हाँ। मैंने आप लोगों को फोन किया था। लाश कहाँ है? उधर आइए साहब, ये देख। कहाँ है? साहब लाश थी यहाँ, मैंने अपनी आंखों से देखी थी। कहाँ है लाश? अरे थी तो क्या, खुद चल के गई? जब मैंने आपको फोन किया तब यही थी, फिर मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, मैं चार्ज करने चला गया। सब सच कह रहा हूँ। शिरके, जितना खून बहा है उस हिसाब से आदमी का जिंदा रहना मुश्किल है। मतलब लाश यहां थी फिर गई कहां? सर हो सकता है कि जिसने मर्डर किया हो उसी ने बॉडी को गायब किया हो। डोनू, ये जो जिसकी बॉडी थी इसकी शक्ल वकल हुलिया वगैरह कुछ याद है? सब जैसे कपड़े पहने थे, गांव का नहीं शहर का लग रहा था। गांव में वैसे भी हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं। 25-30 साल का हट्टा कट्टा लड़का था। तब भी शिरके इसका फोन आने के बाद तुरंत हम यहाँ आ गए। और बॉडी गायब हो, इसका मतलब बॉडी गायब करने वाला और बॉडी इधर ही किधर आसपास रहेगा। पूरा एरिया सील कर दो, छान मारो एरिया, अपने खबरियों को काम पे लगा दो। तो बॉडी मिलना बहुत जरूरी है शिरके। अब ये हो सकता है कि कोई जंगली जानवर खा गया हो या फिर किसी गांव वाले ने। सर डेड बॉडी का पता चल गया। चलो ढूंढू को बुला। यस सर। पुलिस की नौकरी करने के बावजूद भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे सामने कोई चौंकाने वाला केस नहीं आएगा, क्योंकि जब भी ऐसा लगता है कोई हैरान करने वाला केस मेरे सामने आ जाता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। आज मैं आपको 2016 का एक केस दिखाने जा रहा हूँ। वैसे मर्डर केस मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और हर मर्डर केस में हथियार और बॉडी दोनों मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन इस मर्डर केस में हथियार क्या, बॉडी भी गायब थी, और जब बॉडी मिली तो जिस हाल में मिली उसने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी। हर जुर्म होने से पहले विक्टिम को दस्तक जरूर मिलती है, लेकिन इस केस में दस्तक हमें मिल रही थी कि ये केस सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं था। सब यही वो बॉडी जिसके बारे में सुबह मैंने बताया था आपको। कौन लेके आ रहे बॉडी को इधर? मैं लाया साहब। वारदात की जगह से छेड़खानी करना कानून अपराध है, पता नहीं तेरे को? हाँ, तू लाश को एक जगह से दूसरी जगह लेके आया, जेल हो सकती है तेरे को। पागल, तचांगला हाथ लाऊं उनका साहब? आपके लिए लाश होगी लेकिन मेरे लिए मेरा छोटा भाई है ये। अभी 2 दिन पहले ही पुणे से आया था ये। 4 साल था पुणे में, मैं गया था इसे स्टेशन लाने के लिए। आया तभी कितना खुश था ये। दादा, गांव में तो कुछ नहीं बदला। अरे नहीं रे, अभी देख सारे बूढ़े बच्चे दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं। अच्छा, पूरा का पूरा गांव बदल गया है अभी।
पहचानता है ना इसको। ये जो बाइक के पीछे बैठा था, ये दिनू का छोटा भाई ना। बस ये आज भी नहीं बदला, इसका और अपना झगड़ा आज भी चालू है। अभी पिछले महीने में इससे मेरा झगड़ा हुआ था, वो तो बाबा बीच में आ गए, वरना बहुत मारता मैं इसे। ना ना ना, एक मिनट, ये गंगे है ना? हाँ वही गंगे, पगली का भाई। जब से उस पगली ने कुएं में कूदकर जान दी है, बहुत अकेला हो गया बेचारा। छोड़ जाने दे, चल चल दादा, मुझे मिलना है उससे। गंगा बिच, अरे बिचा, अरे अरे कैसा है तू? मैं बढ़िया। बाबा तू तो एकदम शहर वाला बन गया, देख कैसा कपड़ा पहना है तू, मस्त एकदम, बाल भी बना एकदम। अरे क्या जूते लग रहे तू तो। लेकिन तेरे को क्या हो गया गंगे? क्या ये फटे हुए कपड़े, ये टूटी हुई चप्पल, क्या है ये सब? ए जान दे, एक काम कर, तू मेरे जूते पहन। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं मांगता मेरे को चप्पल। अरे नहीं, तू काल तेरा, तू आ जा यहां बैठ। बट अरे रहने दे, ये जूते पहन पहन, मैं बोल रहा हूं तुझे पहन। ओ एकदम मस्त है ना, अच्छा लगा तेरे को? अरे वाह, पहन डाल इसमें, लेकिन मस्त एकदम। हां चल, चल मैं बाद में मिलता हूँ तुझसे, ठीक है? चल 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 मिलता हूँ। दादा खड़े गाड़ी, दादा अभी तो बताओ क्यों बुलाया मुझे? अरे तू आज तर चल, सब बताता हूँ क्यों बुलाया है। दादा घर तो बहुत बढ़िया बनाया आपने। हाँ सब अकेले ने बनाया है, दिन रात मेहनत करके घर बनाया है। सोचा था दोनों भाई मिलकर घर बनाएंगे, पर कोई नहीं, तू भी तो वहां काम ही तो कर रहा था। चल। अरे आई, बाबा ये आपके लिए। अरे कैसा है? ना क्यों लेके आया सबके लिए? आई वो छोड़, ये तेरे लिए। कैसा है बता? छान है? कोई नहीं, ए तुमच्या साठी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं जरूरत है। अरे कौन कहता है रे, विजू शहर जाके सबको भूल गया? अब देखो तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आया। वो मंजरी दाई के लिए भी साड़ी लेके आया हूँ, जब मिलने जाऊंगा ना तब दे दूंगा। क्यों क्या हुआ? अरे मंजरी दाई यही पे है, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। मंजरी दाई ये सारी तेरे लिए। क्यों क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है, ठीक करना पड़ेगा, इसीलिए तुझे यहां बुलाया। मतलब आखिर हुआ क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा तुझे तो पता है इसकी शादी में दहेज के 5 लाख रुपए देने थे, 3 लाख हमने दे दिए, 2 लाख देने बाकी थे। अब इसके ससुराल वालों ने बोला है कि 2 लाख रुपए दे दो, वरना तब तक इसको यहीं अपने ही घर में रहने दो। ये गया था बात करने के लिए, लेकिन तू जाता है, इसका गुस्सा बात बनाने के बजाय बिगाड़ के आ गया। अब तुम ही कुछ कर लो। बाबा आप चिंता मत करो, मेरे पास अभी 50,000 है, मैं कल जाके उनको दे दूंगा और बात कर लूंगा। नहीं विजू बेटा, बात पैसे की नहीं है, वो तो हम भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। ए, इसके गर्म खोपड़ी से जो बात बिगड़ गई है ना, उसे जाके संभाल के आ। देख तू शांत है, पढ़ा लिखा है, तू समझदारी से बात करेगा तो वो लोग समझ जाएंगे, मान जाएंगे वो लोग। ठीक है बाबा, आप टेंशन मत लो, मैं कल जाके बात कर लूंगा। ताई तू काजी करो नकोस, मैं आए ना। सारी गलती मेरी है, मैंने इसे भेजना नहीं चाहा था उनके पास। ये बात करने गया था साहब उनसे, ये देखो। अरे सुलह नहीं करनी तो ना करते, मारा क्यों मेरे भाई को, क्यों मारा मेरे भाई को? ये देखो तुम्हारे भाई को किसने मारा ये पता करना पुलिस का काम है, और जिसने भी विजय को मारा होगा उसको सजा जरूर होगी। अभी हमको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दो, एम्बुलेंस से बोलो। ओ साहेब विजू का शरीर यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अरे मुझे इसकी मौत के मुआवजे का पूरा 5 लाख रुपए मिलना चाहिए, उसके बाद ही ये शरीर यहाँ से हिलेगा।
देखो साबित होने नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मुआवजे की रकम चाहिए। ए, पागल हो गया क्या? देख ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें। ओ साहब मले कानून नका सीखू, आपको पता नहीं है ना तो जाओ पता करके आओ। 1959 में भी ऐसा ही केस हुआ था जहां मेरे दादाजी पर मर्डर केस लगा था, तभी इसी पंचायत ने मेरे दादाजी को मरने वाले के घर वालों को 500 रुपए मुआवजा देने के लिए मजबूर किया था। आपको झूठ लगता है? यकीन नहीं होता मेरी बात पर? मुखिया जी यहीं पर खड़े, पूछ लीजिए उन्हीं से। तब इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दीनू बराबर बोल रहा है, वो मुआवजा मिलने के बाद ही अंतिम संस्कार हो पाएगा। अजीब लोग हैं सर, 2016 में भी पंचायत का कानून चला रहा है, पता नहीं कौन सा 1959 की बात कर रहे थे। सिर के एक गांव का मामला है, यहाँ हमारे स्टाइल से इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगा। मैं काम करता हूँ, इस केस के रिगार्डिंग DSP साहब से बात करता हूँ, कानूनी सलाह भी लेनी पड़ेगी। तब तक तुम एक काम करो, ये वीजू का कॉल रिकॉर्ड चेक करो और मंजरी के ससुराल वालों से भी पूछताछ करो, शायद वीजू के मर्डर में उनका भी हाथ हो सकता है। ठीक है सर। 1959 में भी इसी गांव का केस था जिसमें दलाराम वर्सेस स्टेट में दलाराम को विक्टिम के फैमिली को 500 रुपए मुआवजा देना पंचायत ने तय किया था, जिसे कोर्ट ने भी मान लिया था और उसी के बाद अंतिम संस्कार हो पाए थे। ये केस भी सेम है, तो आपको लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और मुआवजा सिर्फ विक्टिम के फैमिली के कहने से नहीं दिया जा सकता, उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि मंजरी के ससुराल वालों पर ये मर्डर का चार्ज साबित होना चाहिए। सर जब मैं मंजरी के ससुराल पूछताछ करने गया तो वहां दहेज का नहीं बल्कि एक नया एंगल सामने आया। साहब मंजरी के घर वाले झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। अरे भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, तो सिर्फ 2 लाख के लिए समाज के सामने हम इज्जत गवाएंगे क्या, दहेज मांगेंगे? खोटे बोलता है इतने नहीं। ये बात सही है कि विजू यहाँ आया था और हमने उसे मंजरी के मायके जाने की असली वजह बता दी थी। असली वजह मतलब? मतलब उनकी खुद की बेटी मंजरी। तीस तर खरा कारण है या झगड़ा? ऐसा क्या किया था मंजरी ने? मैं बताता हूँ, मंजरी का चक्कर चल रहा था, उसको किसी आदमी का फोन आता था जिससे वो घंटों बात करती थी। एक दिन मैंने पूछ लिया किससे बात करती हो, कौन है ये आदमी, तो उल्टा वो मुझ पर भड़क गई कि मुझ पर नजर रख रहे हो, उसके मामले में ना पढ़ूं और अपने काम से काम रखूं, नहीं तो वो सबको बदनाम कर देगी। अरे आप बताओ साहब, मैं उसका पति हूं ना, इतना हक तो रखता हूं ना। वो मुझे धमकी दे रही थी इसलिए मैं उसको उठा के उसके मायके छोड़कर आ गया। उसके बाद आया उसका भाई बीजू, मैंने उसे सारी बात बता दी। उसका भाई पढ़ा लिखा और समझदार था, बात को समझा और उसके बाद वो चला गया। अभी बताओ हम लोग क्यों मारेंगे उसको, और जब हमने उसको मारा ही नहीं तो किस बात का 5 लाख का मुआवजा? 5 लाख के हम 5 रुपए नहीं देंगे किसी को। सर अब बात सच है या झूठ इसका तो पता नहीं, लेकिन यह है कि अकड़ बहुत है उन लोगों में। मतलब उल्टा मंजरी के कैरेक्टर पे इन्होंने उंगली उठाई। एक काम करो शिरके, मंजरी के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, उससे पता चल जाएगा ये झूठ बोल रहे हैं सच। वैसे सर मुझे लग रहा है कि दीनू हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मतलब दीनू और दीनू की फैमिली के बारे में गाँव वालों से हमें पूछताछ करनी पड़ेगी, और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि 1959 में जिस फैमिली के आदमी का मर्डर इसके दादाजी ने किया था उनका स्टेटस क्या था। मतलब तो शेर के ये एंगल इग्नोर करके नहीं चलेगा हमें। वीजू के कॉल रिकॉर्ड का क्या हुआ? सर वो अभी तक तो नहीं आए, मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। शेर के देखा का भाई मरा है, बॉडी बाजू में पड़ी है और ये पत्ते खेल रहा है, इसको तो बाद में देख लेंगे। चलो मुखिया से बात करते हैं। देखिए सब, बिना मुआवजा दिए तो अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि 1959 में ये दीनू के दादा ने भी लालजी राव के मर्डर का मुआवजा दिया था, तभी अंतिम संस्कार हुआ था। ये लालजी राव की फैमिली गांव में रहती है अभी भी? हाँ है ना सब, उसका पोता जगया इसी गांव में रहता है। अब इतने साल बीत गए साहब, मगर दोनों परिवार में आज भी नहीं बनती है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार ही रहते हैं। और दूसरी तरफ वो मंजरी का ससुराल, अब देखिए साहब पंचायत ने अपना फैसला उन तक पहुँचा दिया,
मगर मानने को तैयार ही नहीं। ये मंजरी के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, उसके ससुराल वालों का कहना है कि वो किसी दूसरे आदमी की वजह से उसको मायके भेज दिया गया था। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे नहीं लगता मंजरी का कुछ ऐसा वैसा चक्कर होगा। साहब अपने गांव की बेटी है, हमने बचपन से देखा है उसे। एक गांव छोटा है साहब, एक दूसरे को एक दूसरे की खबर रहती है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे तो जरूर सुनाई देता। साहब मुझे तो लगता है कि ये सब वो दिनू और उसके परिवार की गलती है। गलती मतलब? अब देखिए ना साहब, एक हर आदमी शादी करते समय जात बिरादरी अवकात देख के शादी करता है। अगर तुम जात बिरादरी अवकात से बाहर निकलोगे और ऐसे दिखावा करोगे तो ये सब ऐसा ही होगा ना साहब। मैं समझा नहीं। मतलब साहब, मतलब मैंने सुना है ऐसा कि लड़के वालों ने अपने अवकात के हिसाब से 5 लाख रुपए मांगे थे इनके पास, मगर ये आज तक दे नहीं पाए, इसलिए मंजूरी को उसने मई के लाके छोड़ दिया। अरे खोटा बोलो जाए, झूठ बोले वो लोग। मैंने मेरे बीजू को मारा, हम मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं उनको। मेरे बीजू को मारा है ना उन्होंने, मैं मुआवजा लेके रहूंगा जैसे मेरे बाबा के पास ही लिया था। तुम्हारे पिताजी ने जग्गा के फैमिली को मुआवजा दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हारी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जग्गा ने बदले की भावना से उसे मारा होगा? उस पर शक नहीं होता तुम्हें? नहीं, क्योंकि लालजी राव के परिवार में कोई बचा ही नहीं है। हाँ, एक लंगड़ा बचा है, उसकी हिम्मत नहीं मेरे परिवार की तरफ आंख उठा के देखे। तुमने बॉडी के घाव को नहीं देखा, जिस तरह से मारा है ना, ऐसा लगता है दुश्मनी निकाली। ये जग्गा रहता कहाँ है? उठा इसको। ए, चलो उठ रे। साहब आप क्या हुआ साहब? पार्टी हुई कल रात यहाँ। किस खुशी में? दुश्मन का बेटा मर गया खुशी में? साहब वो नहीं, वो कल रात में कुछ दोस्त लोग आ गए तो बस। बीजू को क्यों मारा? क्या मैंने नहीं मारा साहब। और साहब मैं कहीं को मारूंगा बीजू को? और जिस दिन बीजू मरा उस दिन तो साहब मैं गांव में था भी नहीं, नागपुर गया था किसी काम से। अब चाहो तो पूछ लो साहब किसी से भी। तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी पूछताछ के लिए। सिरगे चेक करा। साहब क्या ढूंढ रहे साहब? साहब मैंने कुछ किया ही नहीं साहब। पाटिल पवार। सब बोल रहे हैं मैंने कुछ किया ही नहीं साहब। क्या सब कुछ किया है तो इतना क्यों फड़फड़ा रहा है? साधु खड़े रहे। सब सच बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया साहब। लेकिन साहब एक बात बोलता हूँ मैं, बीजू के मरने का मेरे को जरा भी दुख नहीं है, लेकिन दीनू मरा होता ना साहब तो बहुत ज्यादा खुशी होती। सब एक नंबर का हलकट है वो। सर कुछ नहीं मिला। शिरके इसके नागपुर के डिटेल्स चेक करो और इसका बैन क्रॉस वेरीफाई करो। गांव से बाहर नहीं जाने का? नहीं जाएगा साहब, मैं कहीं भी जाएगा। शिरके सर नजर रखो इस पे, क्योंकि बीजू को मारने का सबसे स्ट्रांग मोटिव इसके पास है। इसके कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन चेक करो। सिरके बॉडी की हालत खराब होने से पहले कुछ करना पड़ेगा हमको। लेकिन सर हम क्या कर सकते हैं, 24 घंटे कोई ना कोई आदमी बॉडी के पास रहता ही है। ऐसी हालत में पोस्टमार्टम भी नहीं करवा सकते। अपना एक्सपीरियंस तो यूज कर सकते हैं। देख कैसा बैठा है। तेरे को पता है पुलिस आई थी मेरे घर पर मिला कुछ भी नहीं। ये साला लाश को सड़ा के बैठा हुआ है, ये सोच के कि मंजरी के ससुराल वाले इसको 5 लाख रुपया देंगे। पता चला 5 लाख तो छोड़, 5 लाख भी नहीं दिया। निकालो गाड़ी, आगे इधर लगा लो, आगे लो, आगे लो, चलो चलो चलो, गुड गुड, निकालो चलो निकालो। उतरो। ए काय करून राहिले साहेब, मैंने आपको बोला ना मुआवजे के पहले मैं। तेरे को मुआवजा मिलेगा,
ये बर्फ इसलिए लाया ताकि बॉडी सड़ ना जाए, अगर बॉडी सड़ गई ना तो गांव में बीमारी फैल जाएगी, समझा? सरपंच जी, आपको तो कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि गांव के भलाई का मामला है। ठीक है सर, लगा लो बर्फ। ठीक है, हाँ चलो निकालो निकालो, हाँ निकालो, इधर लाओ उधर। निकालो फोटो। हाँ सर, चलो 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 चलो। सर शिरके, ये घाव देख के लगता है कोयते से मारा है, और जिस फोर्स से मारा है लगता है बदला लिया है। हो सकता है सर, वैसे इस तरह के हथियार लोग गांव में अक्सर यूज करते हैं, जो खेतों में काम भी आते हैं और जरूरत पड़ने पर हथियार भी बन सकते हैं। नहीं तो मुझे क्या लगता है शिरके, एक काम करना पड़ेगा। सर शुगर? अरे रहने दे यार, एनर्जी आती है। हाँ तुम क्या बोल रहे थे? सर ये वीजू के कॉल रिकॉर्ड है, इनके हिसाब से गाँव आने के एक दिन पहले दीनू ने वीजू को नहीं बल्कि वीजू ने दीनू को कॉल करके बुलाया था। अच्छा। वो हमसे झूठ बोल रहा था सर। झूठ बोलने की कुछ वजह हो सकती है, इसमें दिख रही है वजह? हाँ सर, ये देखिए, ये एक नंबर है जो गांव आने के बाद वीजू अक्सर बात करता था, और फोन लोकेशन के हिसाब से वीजू की लोकेशन मंजरी के ससुराल की दिखा रही थी, और ससुराल से वापस आने के बाद उसने इसी नंबर पर बात की थी। इस नंबर के बारे में इंक्वायरी निकाली तो पता चला कि पूना का नंबर है और किसी ज्योति के नाम रजिस्टर्ड है। एक और बात सर, ससुराल से वापस आते वक्त उसका फोन रात 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक इसी लोकेशन पर था, और इसी लोकेशन पे उसका फोन स्विच ऑफ भी हुआ। नहीं, बैटरी भी तो डाउन हो सकती है। शिरके, दिनों के मुताबिक दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। विजू पुणे में रहने के बावजूद भी फैमिली से बहुत अटैच था, लेकिन कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत कम बार उसने अपने फैमिली वालों से या दिनों से बात की, लेकिन पुणे के इस नंबर से उसने रोज बात की। पुणे जाने की तैयारी करो शिरके, ये कॉल रिकॉर्ड का चक्कर पुणे में सॉल्व होगा। जी आप कौन? चंद्रपुर पुलिस से PSI शिरके। ये नंबर आपका? जी मेरा है। आपसे कुछ बात करनी है। आइए। आप जानती हैं इसे? जी सर, ये विजू है, हम लोग साथ में रहते हैं। साथ में मतलब लिव इन रिलेशनशिप में? जी, पर हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? वो क्या है कि विजू का मर्डर हो गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है सर? देखिए संभालिए अपने आप को, मैं जानता हूँ कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, फिर भी विजू के कातिल तक पहुँचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। गांव में विजू की फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए आप जो भी विजू के बारे में या उसकी फैमिली के बारे में जानती हैं प्लीज़ बताइए हमें। सर विजू 4 साल पहले पुणे में आया था, एक टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी में हमारी मुलाकात हुई, वहाँ पे मैं काम करती थी। हमारा मिलना जुलना बड़ा प्यार हो गया। 2 साल पहले हम लोग यहाँ एक साथ शिफ्ट हो गए थे, हम शादी करने वाले थे सर, पर हम दोनों चाहते थे कि शादी से पहले हमारा खुद का घर हो। विजू ने कहा कि गांव में उसके बहुत सारी जमीन है, अगर वो अपना हिस्सा बेच देगा तो यहाँ घर खरीद सकते हैं। इसलिए उसने अपने भाई को फोन किया और कहा कि गांव आ रहा है। पूरे 4 साल बाद आया तू, वो भी अपना हिस्सा मांगने? कुड़ी खाऊं रह लेगा तुझा हिस्सा? कोई नहीं खा रहा तेरा हिस्सा, हम भी तेरे भले की ही सोच रहे हैं। ये देख, ये लड़की देखी है तेरे लिए। अरे इसके घर वाले पूरे 5 लाख रुपया देने को तैयार है, इनसे 5 लाख ले लेंगे और फिर। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं यहाँ पे शादी करने नहीं अपना हिस्सा मांगने आया हूँ। विजू देखिए, मैंने लड़की पसंद कर ली है, पुण्याची है, ज्योति नाम है उसका, मैं उसी से शादी करूंगा, आप लोगों से अपना हिस्सा लूंगा और वहां पे अपना खुद का घर बांधूंगा, मुझे आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए।
हमें भी कुछ नहीं चाहिए तुझसे, समझा ना? वो तो इस मंजीरी के बारे में सोच रहे हैं हम कि तेरी शादी के बाद 5 लाख ले लेंगे और उसमें से 2 लाख इसके ससुराल वालों को दे देंगे ताकि ये भी अपने घर में जा सके, लेकिन तुझे तो अपने अलावा किसी की पड़ी ही नहीं है कुछ। दादा आपको मंजीरी दाई का प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, मैं कर दूंगा, मैं देख लूंगा, कल जाके मैं बात कर लूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। देख विजू, अगर तुझे हिस्सा चाहिए ना तो तुझे उसी लड़की से शादी करनी होगी जिससे हम लोग कह रहे हैं, वरना अगर अपनी मर्जी से शादी करनी है ना तो हिस्सा विस्सा भूल जाना। और अच्छा सुन, यहाँ 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा। अरे यार अभी चेक किया, वो प्रॉपर्टी में मेरा नाम ही चढ़ाया नहीं गया है, वो सब ठीक करने में 2-3 दिन तो लगेगा ही ना, और मंजरी ताई की ससुराल की प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करनी है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ लेकिन विजू की फैमिली ने हमें ये नहीं बताया कि विजू वहाँ पे अपना हिस्सा लेने गया था। सर वो उसी के लिए गया था, उसने मुझे बोला नहीं, और मैं समझ गई थी कि बंटवारे को लेकर बहुत टेंशन है सर। ज्योति के साथ बात करने के बाद इस केस का एंगल जो सामने आया वो काफी स्ट्रॉन्ग था। अब ये केस बंटवारे और आपसी झगड़ों का ज्यादा लग रहा था। दीनू और मंजीरी के ससुराल वालों का झूठ सामने आया था और मंजीरी के कॉल रिकॉर्ड में किसी भी अनजान व्यक्ति का नंबर नहीं मिला था, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कातिल कौन है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा था। और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना जरूरी था क्योंकि विजू की बॉडी को चौराहे पे पड़े 4 दिन बीत चुके थे और हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं था। अरे नमक ठीक से डालो नहीं तो चीटियां लग जाएंगी। दीनू चल थाने चल, कुछ बात करनी तेरे से। विजू का ध्यान रखना, मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। चल। तूने बताया विजू को तूने बुलाया था मंजीरी के ससुराल बात करने के लिए, लेकिन हमें ऐसा पता चला है विजू खुद आया था प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात करने के लिए। साहब ये कौन बोला आपको? ज्यादा श्याणा समझ रहा खुद को, जितना पूछ रहे उतना जवाब दे, हिस्सा मांगा था या नहीं? साहब हिस्से की तो बात ही नहीं आती है साहब, वो तो 4 साल से पूना में है, यहाँ 4 साल से मैं खेती कर रहा हूँ, सारी की सारी रसीद मेरे नाम पे, और आप तो जानते ही है जो खेती करता है उसी के नाम पे जमीन होती है। और ऐसा नहीं भी हुआ तो विजू इतना लालची इंसान नहीं था, उसे पैसों की क्या जरूरत साहब, वो तो अच्छा खासा कमा रहा था वहां पर। जरूरत थी, वो शादी करना चाहता था, उसको घर बनाने के लिए पैसे चाहिए थे, है ना? ओ अत्ता मले समझून राहिले, ते पूना वाली लड़की ने आपके कान भरे है ना, आप हो क्या है पूना? नहीं नहीं साहब, विजू भी दिन भर उसके साथ फोन पर लगा रहता था, उसे क्या लगता है वो हमसे हिस्सा मांगेगी और हम दे देंगे, एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे साहब उसे हम। साहब मैं आपसे भी कहता हूँ, इधर उधर पूछताछ करने से कुछ नहीं होगा, आप सीधे मंजरी के ससुराल वाले से जाकर सख्ती से पूछिए, आपको सब सच पता चल जाएगा, आपका काम हो जाएगा, मुझे मुआवजे की रकम मिल जाएगी और मैं विजू का अंतिम संस्कार कर सकूंगा। ए! तू पुलिस को सलाह देगा, हमें सिखाएगा, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं, वो तू सच बता तेरा हाथ है या नहीं, तेरा अगर इसमें हाथ निकला ना तो तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा। सर मुझे लगता है कि इस दीनू ने सिचुएशन का फायदा उठाया होगा, क्योंकि जिस तरह से इस दीनू का नेचर है, आई एम श्योर विजू के साथ इसका कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा। और सर दूसरी तरफ है मंजरी के ससुराल वाले, हो सकता है कि दीनू ने ही विजू को मंजरी के ससुराल भेजा हो और विजू का मर्डर कर दिया हो, उसे लगा हो कि इस मर्डर का सारा इल्ज़ाम मंजरी के ससुराल वालों पर आ जाएगा और वो साफ बच निकलेगा। ये शिरके, लेकिन ये दीनू के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं, उसके खिलाफ अगर हमने कोई कार्रवाई की तो उसके सपोर्ट में जो गांव वाले हैं और जो मंजरी के ससुराल के खिलाफ है वो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तुम एक काम करो शिरके, कल मंजरी के ससुराल के पड़ोसियों से पूछताछ करो, देखो कुछ क्लू मिलता है क्या। शक्कर बहुत कम है यार, चलो निकलते हैं। शिरके वो, अरे बाबा गेला नहीं था अजून, तुम्हारे ड्यूटी का टाइम तो खत्म हो गया। नहीं सर, वो पुराने केस की मैं एंट्री ढूंढ रहा हूँ सर, मिल जाएगी वैसे चला जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट पवार। गुड नाइट सर। एक मिनट बाहर आएंगे, आपसे कुछ बात करनी है। जी आपके पड़ोसियों के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, ये जो मंजरी और सुशील हैं
इन दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही थी क्या? सर, सुशील की शादी के बाद से ही परेशानी चल रही थी। वैसे बहुत बदतमीज लोग है सर, पैसे का बहुत घमंड है उनको, इंसान को इंसान नहीं कहते सर। अच्छा, ये मंजरी का जो भाई है विजू, ये आया था यहाँ पे, देखा था क्या आपने? हाँ साहब, विजू यहाँ आया था, उसके साथ भी उन्होंने वैसे ही बदतमीजी किया। तो विजू सुन के क्यों लेगा साहब, वो तो बहुत पढ़ा लिखा था, उसने पलट कर जवाब दिया। बाबूजी मैं क्या मानता हूँ, आइकुन आज के बाद कदम मत रखना सर। मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, आप भी तमीज से बात कीजिए। तू चलना अभी, तमीज अपने पास रख, चल निकल। मेरी बात तो सुनिए प्लीज, निकल जाए यहाँ से वरना जान से मार दूंगा, चल। ए, चल निकल, चल चल। अरे सर, मैंने आपको बताया तो था उस रात बीजू बात करने आया था। नहीं नहीं, लेकिन तूने ये नहीं बताया कि उसके बात का जवाब तूने उसको जान से मारने की धमकी से दिया था। क्या झगड़ा था उसके साथ, सच बता, वरना घमंड तोड़ना अच्छी तरह से आता है हमें। शिरके सर उस रात बीजू आया था और मैंने उसको बताया कि बीजू मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी बहन का चक्कर चल रहा है। मैं तुम्हें कॉल रिकॉर्ड्स भी दिखा सकता था, लेकिन वो इतनी शाणी है ना कि साथ के साथ वो डिलीट कर देती है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन पूरा घर गलत नहीं होगा। जी देखिए, आप कुछ अलग कह रहे हो, मेरी फैमिली कुछ अलग कह रही है। वो लोग कह रहे हैं कि दहेज के बचे 2 लाख के लिए आप मंजरी को परेशान कर रहे थे। ए, घर वालों की कहानी इतनी सुननी है ना, तो एक बार पहले अपने बहन से पूछ लेता, न जाने कहाँ कहाँ मुंह मार के आती है। 2 लाख क्या, 2 करोड़ भी दोगे ना तो उस जैसी को हम अपने घर में नहीं रखेंगे, समझ ला। अभी यहाँ से निकल और दोबारा मत दिखना। देखिए, आपको जो कहना है मुझे कहिए, मेरे बहन के बारे में प्लीज तमीज से बात कीजिए। ए, तुझसे बात कौन करना चाहता है दादा? बात सुनो, ये वाला भौजी निकलता, भौजी निकलता, तू निकलता अंदर गया भौजी, निकल जा बाहर। बात भौजी मैं क्या मानता हूं, आइकुन आज के बाद कदम मत रखना सर, निकल जा यहां से वरना जान से मार दूंगा, चल। उसके बाद वो वहां से चला गया सर, हम सच बोल रहे हैं, और हमने उसको नहीं मारा सर, हमें उसको मार के क्या फायदा। सर मुझे तो लगता है कि ये सब वो दिनू ने किया है, बहुत मक्कार इंसान है सर, किसी का सगा नहीं है वो। मंजरी के ससुराल वालों के पड़ोसियों ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी उसके मुताबिक हमने मंजरी के पति और देवर को इंट्रोगेट किया, लेकिन हमें उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं था, और हमारा केस फिर से वहीं आके रुक गया। और इधर विजू की बॉडी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जैसे ये बात मीडिया को पता चली, ये केस लाइमलाइट में आ गया और हमारी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ गई। आज पूरे 6 दिन हो चुके लाश को यहाँ रखे हुए, लाश काफी हद तक सड़ चुकी है, बावजूद इसके पुलिस इस मामले को हल करने में नाकाम रही है। गांव में बीमारी फैलने की आशंका है। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि एक इंसान के मरने के बाद भी उसका सरेआम तमाशा बनाया जा रहा है। फिलहाल कहा नहीं जा सकता कि ये तमाशा और कितने दिन चलेगा। मैं चंद्रपुर से रिपोर्टर नीतू, कैमरामैन अखिल के साथ, धन्यवाद। अरे तू समझून घेतनेस मला, तो बाकीचे काय समजून घेणार। अरे तू देख रही है ना कितना टेंशन है, हाँ न्यूज देख रही है ना, मीडिया वाले कितने पीछे लगे हमारे। अरे हाँ बाबा, पहुंच रहा हूँ आधे घंटे में घर में, स्लो कर स्लो कर स्लो। जैन सर, जैन शिरके, कल रात को मैं वो बॉडी के पास से गुजर रहा था तो एक आदमी को वहाँ बैठे हुए देखा मैंने। विजू का भाई भी नहीं था वहाँ, पर कल रात कोई नहीं तो इसको पहले से देख रहा हूँ, वहाँ से बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं हटता है। सर होगा कोई करीबी दोस्त या कोई रिश्तेदार। जैन सर, जैन सर, ये वही रजिस्टर है जो मैं रात को ढूंढ रहा था। पवार, इन दोनों केस का आपस में क्या संबंध है? सर जो आदमी 6 दिन से बिजू की डेड बॉडी के पास बैठा है, उसकी बहन मुक्ता की एफआईआर कॉपी है। और सर मुक्ता ने 4 साल पहले कुएं में कूदकर खुदकुशी की थी, उसे सुसाइड मानकर ये फाइल क्लोज की गई, और तब जस्ट मेरी पोस्टिंग नई नई यहाँ पे हुई थी सर। लेकिन पवार, ये मुक्ता का सुसाइड केस और बिजू का मर्डर केस, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? संबंध है सर, सुनने में आया था कि मुक्ता विजू से प्यार करती थी, उसे शादी करना चाहती थी। शिरके सर, गन्या को लेके आ। साहब विजू दोस्त था मेरा,
चार साल बाद भी वापस आया ना गांव में साहब, मेरी फिक्र थी साहब, चिंता थी उसको। ये देखो साहब, अपना जूता जूता निकाल के दिया उसने मेरे को। मैनेजर, बहुत प्यार करता था साहब मेरे से, मैं भी बहुत प्यार करता था उसको, मैं कैसे मार सकता हूँ साहब अपने दोस्त को। अच्छा, ये वही दोस्त है ना जिसे तेरी बहन मुक्ता प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने खुदकुशी कर ली। साहब मुक्ता के बारे में पूरा गांव जानता था साहब कि वो एड़ी है, किसी से भी प्यार होता था साहब उसको। तो एक बार बोली बकरे से प्यार है मेरे को, बकरे से शादी करनी। मैं कह तू आप सोचो साहब, ऐसी बहन को मैं कैसे अपने दोस्त के गले बांधता साहब। एकदम दिमाग से कमजोर थी साहब, शादी के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता साहब, पागलपने में कुएं में कूद गई। सच बोल रहे? सच बोल रहा हूँ साहब, मैं दोस्त था साहब मेरा, मैं तो मार ही नहीं सकता उसको, प्यार करता था मैं उसको। न खाना खाया जा रहा, न काम किया जा रहा। क्या काम करता है तू? हाँ साहब, काम क्या करता है तू? मैं साहब खेत में मजदूरी करता हूँ साहब, मैं लोगों के ये फसल लगाना काटना यही सब काम करता हूँ साहब, मैं गरीब आदमी हूँ साहब। सिरके विजू को मार के मंजरी के ससुराल वालों को कोई फायदा नहीं था, हाँ दीनू को जरूर फायदा होता। हो सकता है उसने विजू को मारा हो और इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा हो। लेकिन सर, जिस तरह के घाव हमने विजू की बॉडी पर देखे हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उसे बदले की भावना से मारा गया। और सर, बदला लेने का मोटिव सिर्फ एक आदमी के पास है और वो है जग्गा। हो सकता है कि अपने दादा की मौत का बदला लिया हो। सिरके, ये जग्गा से तुम्हारे स्टाइल से पूछताछ करो, और एक काम करो, दीनू का घर और मंजरी का ससुराल अच्छी तरह से छानबीन करो, वो मर्डर वेपन मिलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है सर। अगर वो नहीं मिला तो फाइल बंद, और हमारे रिप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। पवार, पूरे घर की तलाशी लेना, एक एक खोना छोड़ना नहीं कुछ भी। अरे आप लोग कहाँ जा रहे? तलाशी लेनी आपके घर की। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पाटिल मैडम, मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। बाल भाई शप्पा साहब, हमने नहीं मारा विजू को साहब। बोल रहा है झूठ? बोल रहा है साहब? कई को झूठ बोलेगा साहब, वो दिन हम लोग नागपुर गए थे, कैसे मारेगा साहब हम उसको? अगर पता चला ना कि तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, खैर नहीं है तुम तीनों की। देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, आप बैठिए यहाँ पे। अरे साहब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा साहब, सुनो मेरी बात। अरे और कुछ मिला? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला। पवार। हाँ साहब। हटाओ ये सब, डिग्गी में चेक करो। कुछ मिला? नहीं साहब, गाड़ी में कुछ नहीं मिला। सर, हमने मंजरी के ससुराल और दीनू के घर की तलाशी ली, लेकिन सर कोई भी मर्डर वेपन नहीं मिला, और वो जगिया के दोस्तों से भी पूछताछ की है। सर, उन सभी का यही कहना है कि उनने विजू को नहीं मारा है, सबके बयान को क्रॉस वेरीफाई किया है, सबके एलिबाई को भी चेक किया है। उस दिन सब लोग नागपुर में थे। शिरके, इसके घर की तलाशी लो। गंगा का कहना था कि वो विजू का बहुत अच्छा दोस्त है। अगर अच्छा दोस्त है तो पिछले चार सालों में उन्होंने बात क्यों नहीं की, पर अभी छह दिन से वो बॉडी के पास क्यों बैठा है? चलो पता कर दे इनकी दोस्ती किस टाइप की।
शिरके, घर का हर कोना छान मारो। पवार उधर जाओ। सर कहीं कुछ नहीं मिला। अरे नमक ठीक से डालो नहीं तो चींटियां लग जाएंगी। आलोक खोदो। मैंने क्या बोला था शिरके, इस दोस्ती में कुछ झोल है। अरेस्ट करो इसको, उठाओ। चल 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 चल, चल। मतलब आपको मिल ही गया ये, आपको पता ही चल गया कि मैंने मारा विजू को। अब बता क्यों मारा? सब मेरी बहन ना पागल थी एकदम, और मैं अपनी पागल बहन को विजू के गले नहीं बांधने वाला था, पर विज्जू को मेरी बहन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, उसके पागलपन का मजाक उड़ाया उसने, ने बेइज्जती करी मेरी बहन की। देख भाई मैं तो जा रहा हूँ शहर, मैं तो मजे करने वाला हूँ भाई, लेकिन लेकिन तू तेरी पगली बहन को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकता। उसके साथ तो कोई शादी भी नहीं करेगा। इंसान छोड़, जानवर के साथ प्यार होता है उसको, कुत्ते बिल्ली बकरे किसी के साथ भी। मेरे पास ना एक आइडिया है, तू अगली बार ना किसी से भी प्यार हो जाता है ना उसको, अगली बार ना उसको किसी कुत्ते बिल्ली बकरी के साथ प्यार हो जाएगा ना, तो उसकी शादी करवा दे यार फटाफट। वैसे भी उसको इंसान और जानवर में फर्क कहाँ नजर आता है। कुत्ता बिल्ली बकरा शादी का। मेरे दिल में बैठ गई वो चीज, मैं तब तो कुछ नहीं कर पाया मैं, पर जब इस बार वो आया ना गाँव वापिस, मैंने एकदम निकल, अब तो बात तो सुनिए प्लीज, निकल जाए यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। चल पता नहीं क्या समझते हैं अपने आपको, कोई बात करने की तमीज होनी चाहिए ना। और फिर मैंने अपनी बहन के मजाक का मैंने बदला ले लिया मैंने साहब, है कि नहीं सब, कौन मजाक उड़ाता है पागल का, मजाक कौन उड़ाता है। ले जाओ इसको। एक चींटी हाथी को भी नचा सकती है, कहावत तो सुनी होगी आपने। हमारे इस केस में इन चींटियों के सहारे हम कातिल तक पहुंच सके। ये केस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था कि कातिल हमेशा हमारे नाक के नीचे था, लेकिन उसे हम पहचान नहीं पा रहे थे, ना तो खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था ना तो भागने की। गंगा को विजू को मारने का बिल्कुल अफसोस नहीं था, उसे लग रहा था कि उसने अपने बहन का बदला लिया है, लेकिन ये बात उसके क्यों समझ में नहीं आई कि उसकी इस बदले की भावना ने विजू को ही नहीं तो उसे भी खत्म कर दिया था। हर जुर्म होने से पहले दस्तक जरूर मिलती है, लेकिन उसके तरीके अलग अलग होते, जैसे इस केस में हुआ। विजू को दस्तक जरूर मिली थी लेकिन उसने सुना नहीं, उसने एक पागल मासूम लड़की की उसके ही भाई के सामने बेइज्जती की थी जो सही नहीं था, और इसकी कीमत उसे अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।